ब्लैकलिस्ट किसने खत्म की? मोदी जी ने खत्म की थी, बीजेपी ने खत्म की थी। उसके बाद अगर बंदे सिख रिलीज हुए है वो किने रिलीज करवाए? मोदी साहब ने करवाए। अज अगर खालसा एड के उत्ते पई है साहब, मैं समझदा भी आ मेरी बतौर बीजेपी प्रधान जिम्मेवारी बनती है किसी किस्म का इस किस्म का कोई कदम उठाया जाए। अगर मैं नहीं आवाज उठाऊंगा कौन उठाऊगा साहब? मैंने कोई किसी से एहसान नहीं किया खालसा एड पर। अगर एहसान या किसी ने अपना मानवता का धर्म निभाया, खालसा एड ने सिर्फ इतने नहीं, पंजाब के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर अगर खालसा एड है उन्हें ना सिर्फ पंथ की बल्कि मैं समझदा हूँ साढ़े हिंदुस्तान की तो साढ़े समाज की एक विलखण पहचान बनाई है दुनिया के अंदर। खालसा एड इज एन इंस्टीट्यूशन, इट इज इट रिप्रजेंट्स द इथोस ऑफ सिखिज्म, सेवा भाव, पंजाबी सेवा भाव वास्ते जाने जाते। ऐसा कोई भी कदम ना उठाया जाए जिदे नाल किसी किस्म की आँच इस साड़ी सेवा भावना के उत्ते आवे। ते मैनू इस गल की खुशी है कि बहुत ही पॉजिटिव तरीके नाल उन्हूं अमित शाह जी ने रिसीव किया। जो कहना से साहब मैं कल भी गल की, मेरे तो बनावटी गल्लां ज्यादा होंदियां नहीं, कोई पता नहीं लोगों ने क्यों भ्रांतियां फैला रखी हैं। जिहड़ा सवाल तुसी करता भी अगर तुसी आ देखो भी ब्लैकलिस्ट खत्म किने कीती सी, जिहड़े किन्ने साडे साथी एनआरआई भरा बाहर बैठे सी, ब्लैकलिस्ट किने खत्म कीती? मोदी जी ने खत्म कीती, बीजेपी ने खत्म कीती। उहदे बाद अगर बंदे सिख रिलीज होए है वह किने रिलीज करवाए? मोदी साहब ने करवाए। तो अज अगर खालसा एड के उत्ते पई है साहब, मैं समझदा भी आ मेरी बतौर बीजेपी प्रधान जिम्मेवारी बनती है किसी किस्म का इस किस्म का कोई कदम उठाया जाए। अगर मैं नहीं आवाज उठाऊंगा कौन उठाऊगा साहब? मैंने कोई किसी से एहसान नहीं किया खालसा एड पर। अगर एहसान या किसी ने अपना मानवता का धर्म निभाया, खालसा एड ने सिर्फ इतने नहीं, पंजाब के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर अगर खालसा एड है उन्हें ना सिर्फ पंथ की बल्कि मैं समझदा हूँ साढ़े हिंदुस्तान की तो साढ़े समाज की एक विलखण पहचान बनाई है दुनिया के अंदर। जिथे कितें भी, चाहे वैनकूवर च है, चाहे कितने जर्मनी च है, कितने कोई भी आपदा आती है सब तो पहला खालसा एड उत्थे पहुँचती है। मेरी बेनती अमित शाह जी ने सी भी आ बिल्कुल सही है भी एडा वड्डा जो एक इदारा है वो इट इज़ बट नैचुरल साहब, स्वभाविक है भी साढ़े जोड़े गुआढ़ी बैठे है उन्होंने कोई ना कोई इनफिल्ट्रेट कराएंगे भी यदा सहारा लैके इन्होंने नाम का वरतों करके। इट इज अ वॉलंटरी ऑर्गनाइजेशन साहब, वो हर किस्म का लोग चढ़ते है। मैं 150 बंद फोटो खिंचा, मैं पता लगता भी इस बंद की पिछोकड़ की है। जो जो जाके सेवा भाव नाल जुड़ते हैं 150 बंदे उत्थे जाके उन्हां नाल जुड़ते हैं, अगर कोई इस किस्म का गलत अंसर है तो उन्हों करो। बट खालसा एड इज एन इंस्टीट्यूशन, इट इज इट रिप्रजेंट्स द इथोस ऑफ सिखिज्म, सेवा भाव, पंजाबी सेवा भाव वास्ते जाने जाते। ऐसा कोई भी कदम ना उठाया जाए जिदे नाल किसी किस्म की आँच इस साड़ी सेवा भावना के उत्ते आवे। तो मैनू इस गल की खुशी है कि बहुत ही पॉजिटिव तरीके नाल उन्हूं अमित शाह जी ने रिसीव किया। तो यदा मैं समझदा भी एक अच्छा मैसेज लोगों से जाऊगा भी आ जड़े गलत अंसर असी ऑफकोर्स अगर कोई गलत एलीमेंट इतने पंजाब की अमन शांति भंग करने की कोशिश करता उन्होंने बिल्कुल सख्ती करो। बट खालसा एड और द आइडिया के रिप्रजेंट साहब, मैं उस आइडिया की गल करी जाने भी उस आइडिया से कौन आप पहरा ना देंगे, कौन देगा साहब? वो तो मतलब ही गल लोग करी जाते तो अपनी देख के करते हैं। बट आई हैव जिहड़ा चाहे किसी नूं कोई इमेज ठीक लगे ना लगे, बट आई हैव एज ए पार्टी प्रेजिडेंट इज माई रिस्पोंसिबिलिटी टू टेक अप अ जस्ट कॉज एंड आई थिंक इट इज देयर कुड बी एनीथिंग मोर जस्ट देन सपोर्टिंग अ कॉज ऑफ सर्विस टू ह्यूमैनिटी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਬਦਲ ਹੀ ਗਏ ਹੋ। ਯਾਰਾ ਬਦਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਦਲਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾ ਪਾ ਕੁੰਡੀਆਂ ਤੇ ਖੰਭੇ ਲਕਵਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਓਹੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁੰਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਯਾਰਾ ਵਾਹ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪੰਜਾਬੀਓ 1 July 2022 ਦਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ।